मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप लोगों को कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ के 7.1 नंबर हिसाब के 7 नंबर बताए जाएंगे। तो देखिए, 7 नंबर में हिसाब कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो कि 2-5 और 2-9 के समदूरस्थ, -2 और 9 के समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष की जो बिंदु है वो ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था इसके बेसिक वीडियो में कि एक्स अक्ष के जो दूरी होते हैं वो जो दूरी है वो एक्स 0 होता है और वाई अक्ष की जो दूरी होती है 0 और वाई होता है। एक्स अक्ष की बात कर रहा है तो लिखेंगे, माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होगा, x और 0। अब x अक्ष पर 0 प्रश्न कह रहा है कि समदूरस्थ बिंदु P, यहां मान ले माना कि बिंदु क्या लिखेंगे, माना कि x अक्ष पर बिंदु P x 0। अब यहां ये बिंदु P है और यहां ये बिंदु A और B। ए बराबर जो दिया गया हमको 2-5 और बी जो दिया गया -2 और 9, तो ए हो गया। और ए बराबर यहाँ मानिए 2-5 और बी बराबर मान लेंगे -2, 9। तो ए पी और ए बी दोनों बराबर होगा। पी पी का जो है क्या है, एक्स 0। तो सबसे पहले लिखेंगे एपी, एपी बराबर रूट अंडर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ए प्लस 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें इसको तो हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25। तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। इस ढंग से अब एपी और ए बी पी भी निकालेंगे तो पी भी बराबर हो जाएगा एक्स माइनस -2 का होल स्क्वायर। सॉरी, इसको लिख सकते हैं x2 माइनस 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन ले तो 2 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 81। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 यहाँ पर आ गया आपका। तो इसको लिखें रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के 81 4 85। तो अब कर रहा प्रश्न से एपी और एबी क्या है, समदूरस्थ हो, समदूरस्थ यानी बराबर, एपी बराबर एबी। इसीलिए क्या होगा, एपी का जो मान निकला है हमें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 25 बराबर सॉरी 29 बराबर रूट अंडर ये हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब यहां आगे देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा या रूट रूट दोनों तरफ कैंसिल हो सकता है। तो लिखेंगे दोनों तरफ दोनों और वर्ग करने पर, तो इसको लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर लिखें रूट अंडर, खत्म रूट हो जाएगा तो क्या लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस उनतीस, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस फोर एक्स प्लस पचासी, एक्स स्क्वायर कट गया माइनस फोर एक्स, ये आएगा माइनस फोर एक्स, पचासी माइनस उनतीस तो ये माइनस आठ एक्स, तो यहाँ पर पंद्रह में नौ गया छः और यहाँ पर सात में दो गया पाँच, यानी छप्पन, x बराबर निकल गया आपका छप्पन बाय माइनस आठ, आठ सत्ते छप्पन, तो x बराबर निकला आपका माइनस सात। तो इसीलिए जो समदूरस्थ बिंदु थे, लिखेंगे x अक्ष पर समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु जो था P बराबर क्या था, x जीरो, x का जो मान है क्या है सात और जीरो, ये आपका आंसर है। ढंग से सात नंबर हिसाब क्लियर होता है। तो आगे देखिए दस आठ, दस आठ नंबर हिसाब कह रहा है कि y का मान ज्ञात करना है, दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी दस मात्रक दी गई है, P का जो कोऑर्डिनेट है दिया गया है, Q का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो सबसे पहले पी क्यू बराबर लिखेंगे, प्रश्न से पी क्यू बराबर 10 दिया गया है, 10 यूनिट यानी 10 मात्रक दिया गया है, तो पी क्यू एक फॉर्मूला होगा, पी क्यू बराबर रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन, दस माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका एट का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आठ का स्क्वायर चौसठ प्लस वाई, वाई का लिखेंगे, वाई को लिख सकते हैं, ये वाई प्लस थ्री है हो जाएगा y प्लस थ्री का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिखे पी क्यू बराबर वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई, सॉरी सिक्स वाई होगा, सिक्स वाई प्लस चौसठ नौ, नौ चार तेरह तिहत्तर, तो तिहत्तर निकला, ये कितना है 10 दिया गया है। अब पी क्यू का मान दिया गया 10, तो रूट अंडर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस तिहत्तर। अब रूट हटाएंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस तिहत्तर। अब यहां पर तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखें, 100 बराबर y का जो स्क्वायर है 6x प्लस 73। देखिए आगे, तो देखें यहाँ y, यहाँ पर 100 को ये y स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस तिहत्तर माइनस एक सौ हो जाएगा बराबर जीरो, तो y स्क्वायर प्लस सिक्स वाई तिहत्तर घटाएंगे इसमें, तो माइनस क्या होगा हमारा, दस में से तीन गया सात और यहाँ बच गया नौ में सात गया दो, सत्ताईस बराबर जीरो। अब यहाँ सत्ताईस को तोड़ के छह पुराना है, तो नौ तिहाई सत्ताईस, तो लिखेंगे y स्क्वायर प्लस नाइन वाई माइनस तीन वाई माइनस सत्ताईस बराबर जीरो। अब देखिए y कॉमन लेंगे, y प्लस नाइन प्लस और यहाँ माइनस तीन कॉमन लेंगे y प्लस नाइन, तो यहाँ पर निकल गया y माइनस थ्री वाई प्लस नाइन,
तो y बराबर y माइनस 3 बराबर 0 और y प्लस 9 बराबर 0। तो y बराबर एक 3 निकला और एक y बराबर निकला 9। तो ये दो आंसर y का हो गया माइनस 9। तो इस तरह से 8 नंबर हिसाब हमारा कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हिसाब आप लोगों को बताया गया 7 और 8, वो दोनों हिसाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI मानी जाती है उस दोनों हिसाब को। तो आप इस दोनों हिसाब को आप लोग बड़ी बारीकी से आप लोग बनाए और समझ कर बनाए। और हमारे चैनल में YouTube जैसे सर्च करेंगे गायत्री एकेडमी शोभनी, तो चैनल का जो लोगो होगा नीचे में, उस लोगो पर जाकर आप दवा प्रेस करें, और वहां पर आप जब प्रेस करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा और उसमें प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप हर एक क्लास के वीडियो को आप बड़ी सुंदर तरीके से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने का प्रयास करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।